हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ट्रिपल सी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो इस टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और इसका पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लास्ट में लाइक करना मत भूलें, और हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुँचे। हमारी पूरी कोशिश है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिपल सी की पूरी तैयारी कर पाएँ घर बैठे। ओके, तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो आप लाइव कमेंट करके देंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। कम से कम टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये भी आप देख पाएंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आधार क्या है। ये बैंकिंग से रिलेटेड पूछा जाने वाला ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन है। तो आधार क्या है, 12 अंकों का नंबर, पहचान पत्र, या फिर ऑप्शन सी 12 अंकों का नंबर और पहचान पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी करेक्ट आंसर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस टेस्ट सीरीज को लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये वही क्वेश्चंस हैं जो पिछले किसी न किसी मंथ के ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चंस आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे शायद, क्योंकि ये बहुत यूनिक क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऐसी 12 अंकों का नंबर और पहचान पत्र। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, हार्ड बाउंस, जिसका अर्थ है ईमेल प्राप्तकर्ता के पास पहुंचने के बाद भी वापस आ जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो भी करेक्ट आंसर है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताते रहिए हमें। हार्ड बाउंस और सॉफ्ट बाउंस दो चीज़ें होती हैं जिनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसका जो भी करेक्ट आंसर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो भी जो आपको लग रहा है वो कमेंट करके हमें बता दीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स, क्योंकि हार्ड बाउंस सबसे पहले समझ लेते हैं सॉफ्ट बाउंस क्या होता है। सॉफ्ट बाउंस वो बाउंस होता है जब हमारी मेल पे कोई मेल भेजता है और ईमेल आईडी करेक्ट टाइप करता है लेकिन वो हमें मेल रिसीव नहीं होती है, तो उस टाइम पे सॉफ्ट बाउंस होता है जब हमारा इनबॉक्स फुल होता है, या हमारा जो सर्वर है या ईमेल सर्वर है जिसके थ्रू हम मेल्स रिसीव करते हैं वो सर्वर डाउन होता है या काम नहीं कर रहा होता है, उस टाइम पर अगर जो भी मेल बाउंस होते हैं वो हमारा सॉफ्ट बाउंस होता है। दूसरा, अगर ईमेल सेंड करने वाला ईमेल आईडी इनकरेक्ट डाल के मेल सेंड करता है तो वो हमारा हार्ड बाउंस होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे हार्ड बाउंस में मेल प्राप्तकर्ता के पास पहुँचती ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ चुका है, चेक की वैधता कितनी होती है। तो यहाँ पर इसका जो भी करेक्ट आंसर है जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक की वैधता कितनी होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, जारी करने के दिन से 3 महीने तक। ये करेक्ट आंसर है, इसको कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। इंस्टेंट मैसेज सर्विस जैसे व्हाट्सएप के मैसेज कहाँ पर सेव होते हैं, यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेव होते हैं। ओके, तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है जल्दी से आप लोग कमेंट करते रहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए, चैट लॉग। चैट लॉग होता है हमारे सिस्टम में जहाँ पे हमारे ईमेल के सारे मैसेज सेव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में खाता खोलने की न्यूनतम आयु क्या है, और यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो कमेंट करके बताइए। ओके, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है बी, 10 ईयर। मिनिमम 10 ईयर एज रिक्वायर्ड होती है अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन, ओके, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एमएस वर्ड में न्यूनतम जूम क्या है, मींस कितना होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका जो भी करेक्ट आंसर है हमें कमेंट करके बताइए। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है मैं बता दे रहा हूँ, एमएस वर्ड में न्यूनतम आप 10% तक जूम कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 0.1, सी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, बैंक किस पर इंटरेस्ट लेता है, तो यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में किसी न किसी मंथ के में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आपको इंटरनेट पर सर्च करने से शायद नहीं मिलेंगे।
ओके, दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, लोन अकाउंट्स पे इंटरेस्ट लेता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़ी सभी डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। तो यहाँ पे जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो भी करेक्ट आंसर है ट्रू के लिए टी, फॉल्स के लिए एफ टाइप कर सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ट्रू, क्योंकि जितनी भी डिवाइसेस हमारे इंटरनेट से जुड़ी होती हैं उन सभी का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, ईमेल में मैसेज सेंड करने और रिसीव करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे इनमें से कई सारे प्रोटोकॉल्स में से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज होता है? HTTP, MIMI, IMAP, FTP में से कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, ताकि आपका जो भी CCC का एग्ज़ाम है वो आप अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई कर पाएँ, कम से कम मेहनत में, कम से कम टाइम में अच्छा ग्रेड ला पाएँ। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है IMAP, एक प्रोटोकॉल होता है। इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। और ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो CCC एग्जाम में मैक्सिमम शिफ्ट में पूछा जाता है, IMAP से रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के लोग पूछते रहते हैं, कभी इसका फुल फॉर्म पूछते हैं या इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ईमेल सेंड और रिसीव को कंट्रोल करने वाले को क्या कहते हैं? जब हम ईमेल सेंड या रिसीव करते हैं तो उसको बीच में कोई कंट्रोल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसमें से जो भी करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट करते रहिए। तो आई होप मैक्सिमम लोगों ने कमेंट कर दिया होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वह है यूजर एजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज कम करने की शॉर्टकट की है। तो एमएस वर्ड में अगर आप फॉन्ट साइज डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए, कंट्रोल प्लस कर्ली ब्रेसेस ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर के आविष्कारक हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर डिज़ाइन किया था या डेवलप किया था या इन्वेंशन किया था या खोज की थी, उनमें से कौन सा पर्सन है जिन्होंने ये इसकी खोज की थी? जो भी करेक्ट आंसर है वो बताइए। जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है CCC की, उसमें इन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस किया है, मैंने काफ़ी डिटेल में इन सारी चीज़ों को बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ऑनलाइन CCC क्लास नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें मैं CCC का पूरा सिलेबस बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, उससे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ब्लेस पास्कल, इन्होंने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है, बायोस फर्मवेयर है जो रोम में स्टोर रहता है, और इससे रिलेटेड कल हमने जो क्लास अपलोड की थी उसमें काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू, क्योंकि जो बायोस होता है वो एक फर्मवेयर होता है जो कि रोम में स्टोर रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों को इसका करेक्ट आंसर पता होगा और मैक्सिमम लोग इसका करेक्ट आंसर भी देंगे। सर्च इंजन है, सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर है, वेब एप्लीकेशन है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, F2 फाइल फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट की है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। F2 से आप फाइल रिनेम कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो ये ट्रू होगा, नहीं कर सकते हैं तो ये फॉल्स होगा। जो भी है आप जल्दी से बताइए हमें। F2 फाइल फोल्डर को रिनेम करने की शॉर्टकट की है, इसका जो भी करेक्ट आंसर है जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है ट्रू, क्योंकि F2 से हम किसी भी फाइल या फोल्डर की को रिनेम कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन पिछली मींस प्रीवियस सीट पर जाने की शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसका जो भी करेक्ट आंसर है जल्दी से कमेंट करके बताइए, ट्रू है या फॉल्स है ये। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ट्रू। इसके थ्रू आप प्रीवियस सीट पे जा सकते हैं इस शॉर्टकट की से, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में आईएसपी किस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है? तो आईएसपी का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं अभी बताऊंगा फुल फॉर्म इसका क्या है, और हो सकता है मैक्सिमम लोगों को पता हो, तो अगर पता है तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, मिनिमम कितने टाइम में आप आंसर दे पाते हैं इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिमिटेड टाइम पीरियड मिलता है, और ट्रिपल सी एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 ट्रू फॉल्स होते हैं, और इसमें आपको टोटल 90 मिनट्स का टाइम मिलता है, और हर क्वेश्चन को चेंज करने में मिनिमम 30 सेकेंड का टाइम मिलता है। 30 सेकेंड तक वेट करेंगे उसके बाद ही आप क्वेश्चन नेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंटरनेट, और आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आइडिया, ओडा, जियो, ये सब क्या है, बीएसएनएल, ये हमारे आईएसपी हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। कोई भी मैसेज ट्रैश में कितने दिनों तक रहता है? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अलग से कहीं मार्क कर सकते हैं। अगर कोई मेल या मैसेज भेजता है तो वो ट्रैश में कितने दिनों तक स्टोर रहता है? ये बेसिकली ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ईमेल से, इंटरनेट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ईमेल और इंटरनेट से रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 30 डेज तक अगर आप ट्रैश में देखेंगे तो आपको डिलीट किया हुआ ट्रैश में जो भी मेल पड़ा रहता है वो मिलेगा, उसके बाद वो 30 डेज के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस विंडोज किसका उत्पाद है? मीन्स एमएस विंडोज किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो भी करेक्ट आंसर है जल्दी से कमेंट करते रहिए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर है सी, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो फाइल ईमेल के साथ अटैच नहीं की जा सकती, ये ट्रू है या फॉल्स है? जो भी है आप करेक्ट आंसर इसका कमेंट करके बताइए जल्दी से। ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ टाइप कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फॉल्स, क्योंकि हम ईमेल के साथ ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट सारी टाइप की फाइल्स भेज सकते हैं, लेकिन उसका एक साइज होता है, मैक्सिमम आप 25 MB तक की साइज़ की फाइल्स को आप ईमेल के साथ अटैच करके भेज सकते हैं। कई बार साइज़ के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितने साइज़ की फ़ाइल को हम ईमेल के साथ भेज सकते हैं, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 25 MB तक की फ़ाइल को भेज सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेज या टेक्स्ट, कोई भी फाइल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडर में इमेज और टेक्स्ट दोनों लगा सकते हैं, और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडर क्या है? हेडर फुटर आप जानते होंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे हेडर में क्या हम इमेज और टेक्स्ट दोनों लगा सकते हैं, या फिर सिर्फ टेक्स्ट लगा सकते हैं, या सिर्फ इमेज लगा सकते हैं? तो यहाँ पे आपको जो भी करेक्ट आंसर है इसका जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आप लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू, हम हेडर में इमेज और टेक्स्ट दोनों लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, सेंड की गई ईमेल कहाँ पर सेव होती है? अगर आपने कोई ईमेल सेंड की है तो वो जो रिसीवर है उसके इनमें से किस ऑप्शन में जाके सेव होगी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, इनबॉक्स। जब कोई मेल सेंड करता है तो रिसीवर के इनबॉक्स में वो मेल जाके स्टोर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, किसी फाइल में टेक्स्ट सर्च करने की शॉर्टकट की है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं किसी भी फाइल पे, वेब पेज पे, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट करते रहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, कंट्रोल प्लस एफ। इससे हम कोई भी फाइल में टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीईएम का पूर्ण रूप है, यहाँ पे आपको पीईएम का फुल फॉर्म बताना है, और ये ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है पिछले महीने। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, प्राइवेसी इनहेंस
मेल इसका फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जितने भी हम यहाँ पे फुल फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं उनको अलग से आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए और उसको आप एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको 100% करेक्ट करके आएँ। मेरी पूरी कोशिश है कि आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, अच्छे से अच्छे ग्रेड लेके आएँ कम से कम टाइम में, और आपका जो कोचिंग का पैसा है वो भी बचे। इसीलिए मैं डेली ऑनलाइन क्लासेस भी अपलोड करता हूँ, प्लस एक टेस्ट भी अपलोड करता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लास्ट में लाइक करना मत भूला करिए, और साथ में हमारे वीडियोज़ को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करके उनके पैसे बचा सकते हैं कोचिंग के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यूटीपी का पूर्ण रूप है, तो यहाँ पे यूटीपी का फुल फॉर्म बताना है, और ये भी क्वेश्चन लास्ट मंथ ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके, तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो जल्दी से कमेंट करके बताइए। छोटी मोटी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि हम टाइम कम होता है और 2 वीडियोस अपलोड करने होते हैं पर डे। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, और ये होता है केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं हमारे, कॉक्सियल केबल, कॉक्सियल केबल नाम से एक केबल होता है, और ऑप्टिकल फाइबर नाम से एक केबल होता है। तो आप केबल के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। अगर आपने हमारे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको ट्रिपल सी का पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। प्लस अभी हमने रिसेंटली ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस स्टार्ट की हैं, उसके भी आप वीडियोस देख लेंगे। काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है टॉपिक को, तो आप ये सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेंगे ऑटोमेटिक, आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो #ज्ञानएक्सपी लगा के आप अपना क्वेश्चन टाइप करके हमसे पूछेंगे, तो मैं जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस को फिल्टर करना इजी रहता है। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, उनमें से क्वेश्चंस को फिल्टर करना सबसे इजी रहता है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आप #ज्ञानएक्सपी लगा के आप अपना क्वेश्चन पूछें, तो मैं उसका जल्दी से जल्दी आंसर रिप्लाई करूँगा। तो नीचे देखिए एक लाइक का बटन दिया होगा ब्लैक कलर का, उसको प्रेस करके नीला कर दीजिए, लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनका भी कोचिंग का पैसा बचा सकते हैं। ओके, अगर कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं जो भी न्यू अपडेट्स होंगे उनके साथ में आपको अपडेट करते रहेंगे, या कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स होंगे उनको हम वीडियोस में ऐड करेंगे। साथ में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं info@gmail.com पे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।